हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट ट्रिक्स बाय यस। फ्रेंड्स, आप आज हम पढ़ेंगे आपके साथ 1000 क्वेश्चन बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चन बैंक, जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स जो भी मेरे को मिले हैं आरपीएफ एसआई जो भी हेल्ड हुए 2018 दिसंबर में स्टार्ट हुआ 19 में, अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं कम से कम 1000 क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा पूरा व्यू के साथ, क्योंकि पैटर्न पूरा सेम ही रहता है, क्वेश्चन रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एलपी का जो भी क्वेश्चन आया था बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे हमारे ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है किस में, आरपीएफ एसआई में, और एलपी सीबीटी 2 मैंने दिया था तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा रिपीट हुआ था, तो चांसेस बहुत है कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। जिन दिन का एग्जाम 12, 13, 14 को है, 5 को है, स्टार्ट होगा ना, तो रिपीट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड हम पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, वन सेकेंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख लीजिए आप, स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन क्या है, हु बिल्ट जामा मस्जिद। जामा मस्जिद तो पता है आपको, जामा मस्जिद का फाउंडर कौन है, जामा मस्जिद फाउंडर कौन है, शाहजहान। उसके साथ ही बहुत सारे शाहजहान ने बहुत सारे मतलब मोनूमेंट तैयार किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसके साथ जामा मस्जिद के साथ किसने, रेड फोर्ट भी किसने, शाहजहान ने किया है। उसके बाद मोती मस्जिद। फ्रेंड्स देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने बताया क्या, जामा मस्जिद किसने फाउंड किया, शाहजहान ने। तो शाहजहान ने उसके साथ भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो भी है उन्होंने तैयार किया है, तो हम एक एक करके उसको मतलब याद कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो सब पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूछेगा पक्का, मेरे को जितना पता है कि रेलवे का पैटर्न ना वो सेम ही होता है, तो वो पूछता ही रहता है। ठीक है, एक बार पूछ लिया तो उनके बारे में पूछेगा। उसके देखिए मोती मस्जिद, अब लिख लीजिए मोती मस्जिद। ठीक है फ्रेंड, मोती मस्जिद ही फाउंड किया उन्होंने, रेड फोर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगरा फोर्ट। ठीक है फ्रेंड, आगरा फोर्ट हो गया, लिख लिए जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट, मोती मस्जिद, उसके बाद क्या, जामा मस्जिद। ठीक है फ्रेंड्स, ये और ताजमहल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ताजमहल। ठीक है फ्रेंड्स, चार आपको याद ही रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों आपको याद ही रखने हैं। और फ्रेंड्स आपको पूछ सकता है कि शाहजहान कौन से रूलर है, मतलब मुगल एम्पायर के कितने नंबर के रूलर है, ये भी एग्जाम पूछता है, तो ये वाला टिक आप याद कीजिए, भज सा। ये क्या है, कितने नंबर के शाहजहान हो गए, 5 नंबर के, देख लिया आपने, 5 नंबर के। फिर से लिख लाऊं थोड़ा फ्रेंड्स, लिख लीजिए, ये क्या है, बाबर है, ये क्या, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको बाबर, हुमायूं, ठीक है फ्रेंड्स, ये बाबर हो गया, ये हुमायूं हो गया, ये अकबर हो गया, ये जहांगीर हो गया, ये शाहजहां और ये औरंगजेब, आपको इतना याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्वेंशियली इतना आपको नोट डाउन करना है। फ्रेंड्स मैंने आपको मतलब रिक्वेस्ट करना भूल गया कि आप अपने पास एक नोट और पेन रख लीजिए, जैसे कि आप सब कुछ मतलब डिटेलली लिख सकें जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, यह देखिए यहाँ पर पूछा है, फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है कि सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ग्यासुद्दीन तुगलक, तो पूछ सकता है कि फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो कौन होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन है, ग्यासुद्दीन तुगलक। उसके ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद यमुना रिवर, गंगा रिवर आर मीट इन विच प्लेस, सिंपल ही है, ये क्या है,
गंगा और क्या सरस्वती भी है, इसमें क्या है सरस्वती भी है, तीनों मिलके क्या मतलब प्रयाग संगम बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते हैं सरस्वती, ये क्या है ये सरस्वती जो नदी है ये क्या मतलब नीचे बह रही है, अंडरफ्लो हो रही है, मतलब बाहर आपको ओवरऑल व्यू में मतलब पृथ्वी के ऊपर नहीं दिख सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इलाहाबाद लिखा है पर अभी आपको क्या लिखना है प्रयाग, प्रयाग फ्रेंड्स मैंने अभी भी बोला क्या बोला कि इलाहाबाद जो है ना इलाहाबाद वो क्या है गंगा जमुना, ये गंगा जमुना हो गया और सरस्वती, सरस्वती इनका क्या बोलते हैं कन्फ्लुएंस है, मीन्स वो तीनों नदी क्या है मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड तीनों नदी एग्जाम मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं इलाहाबाद बोलते हैं। पर अभी क्या इलाहाबाद का नाम क्या चेंज हो गया, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया अभी प्रयागराज, प्रयागराज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन प्रयागराज भी आ सकता है, उसके पहले क्या था इलाहाबाद से पहले क्या प्रयाग संगम था, प्रयाग के संगम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये वाला कहाँ था वैदिक युग में उनका नाम था। प्रयाग को इलाहाबाद किसने दिया ये भी पूछ सकता है, किसने दिया अकबर, अकबर ठीक है फ्रेंड्स अकबर दिया। अभी बोलेंगे प्रयागराज किनके समय में हुआ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सीएम कौन योगी आदित्यनाथ, ठीक है फ्रेंड्स यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों नाम आपको याद रखना है। या इलाहाबाद का आंसर नेम क्या था प्रयाग था, किस युग में था वैदिक युग में था, इलाहाबाद नाम किसने दिया अकबर, अकबर ने एक्चुअली क्या दिया था इलाहाबाद दिया था, ठीक है फ्रेंड्स इलाहाबाद दिया था, इलाहाबाद दिया था, ठीक है फ्रेंड्स अकबर ने एक्चुअली इलाहाबाद दिया था, उसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद को इलाहाबाद बोलने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अभी रिसेंटली क्या चेंज हुई, किसने चेंज किया योगी सीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ उसको चेंज करके प्रयागराज रख लिया, ठीक है फ्रेंड्स हो गया। सब जो भी चीज़ आपको बोल रहा हूँ ना प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, देखना पक्का एक ना एक क्वेश्चन पक्का लगेगा, एक भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए फिर से एक और क्वेश्चन, न्यूली स्टेट फॉर्म, ठीक है फ्रेंड न्यूली स्टेट फॉर्म कौन सी, ये क्या है तेलंगाना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स ये क्या है तेलंगाना है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला ये वाला क्वेश्चन क्या है तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में आपको पूछ सकता है कि ये कितने नंबर का, कितने नंबर स्टेट था 29 नंबर स्टेट था, ठीक है फ्रेंड्स 29 नंबर का स्टेट था। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि तेलंगाना अपना दिवस कब, मतलब अपने एक एक स्टेट का अपना डे होता है तो कब है उनका, ठीक है फ्रेंड्स उनका है जब फॉर्म हुआ है 2 जून, ठीक है फ्रेंड्स 2 जून 2014 जब फॉर्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स ये दिन आपको याद रखना है, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था ना तभी ये वाला फॉर्म हुआ 2 जून, ठीक है उनका डे कब है 2 जून, ठीक है फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तेलंगाना का मतलब राजधानी क्या है हैदराबाद है, ठीक है फ्रेंड्स उनके सीएम का नाम क्या है सीएम के चंद्रशेखर राव, केसीआर बोलते हैं उनको के चंद्रशेखर राव, ठीक है फ्रेंड्स इनके पार्टी का नाम क्या है TRS, ठीक है फ्रेंड्स आपको सब कुछ याद रखना है फ्रेंड्स, कुछ भी पता नहीं है कब किस टाइम में कैसे पूछेगा वो, मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन व्यू दे रहा हूँ। वो उनके गवर्नर का नाम क्या है ESL नरसिम्हा, ठीक है फ्रेंड्स गवर्नर का नाम, ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये वाला दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दिया है, ठीक है फ्रेंड्स तो कुछ भी पूछ सकता है कि फ्लक्स का यूनिट क्या है, ऐसे पूछ सकता है फ्लक्स का कौन सा है वेबर है, फ्लक्स का यूनिट क्या है वेबर है, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये वाला टोटली मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लेंजेस लॉ पूछ सकता है, लेंजेस लॉ रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। टेन्योर ऑफ लोकसभा सिंपल है, लोकसभा 5 ईयर्स है, मैं आपको एक बता देता हूँ लोकसभा और क्या विधानसभा, ठीक है फ्रेंड्स ये दोनों कितना 5 ईयर ही है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। उसके बाद राज्यसभा और क्या हो गया विधान परिषद, ये कौन सा कितना 6 ईयर है, ठीक है फ्रेंड्स ये दोनों आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लोकसभा का आर्टिकल कितना है, ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स 79 मैं बता दे रहा हूँ एक साथ और 81, ये क्या है पार्लियामेंट,
पूछेगा कि पार्लियामेंट का कितना नंबर आर्टिकल में लिखा है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, तो पार्लियामेंट हो गया, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया क्या लोकसभा, ये तीनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितना है, 540, 552 है। ठीक है फ्रेंड्स, 552 है, तो आपको पूछ सकते हैं प्रेजेंटली कितना है, 545 है, प्रेजेंटली 545 है। ठीक है फ्रेंड्स, 545 में 543 क्या होता है, मतलब इलेक्टेड होते हैं, और दो क्या है, दो जो होते हैं ना, दो होते हैं उनको नॉमिनेट किए करते हैं, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या नॉमिनेट करते हैं, फिर से लिख रहा हूँ, देखिए देख लीजिए फ्रेंड्स, 545 है, 545 से 543 को कौन, हम लोग चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग वोट देके उनको चुनते हैं, और दो जो है ये क्या है, दो को नॉमिनेट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही आपको याद रखना है। उसका देख लीजिए, आप देख लीजिए, लोकसभा पूछा, उसके बाद राज्यसभा पूछ लिया, तो सोच लीजिए आप कैसे क्वेश्चन, मतलब उस टाइप का ही पूछेगा पहला, जो भी जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका देख लीजिए, नंबर से राज्यसभा, देखिए नंबर से प्रेजेंटली कितना है, 245 है, 245 है प्रेजेंटली, बट ओरिजिनली कितना है, 250, ओरिजिनल 250, प्रेजेंटली कितना है, 245 है, उसमें से 12 सीट क्या है, नॉमिनेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉमिनेट कितने होते हैं, नॉमिनेट, नॉमिनेट होते हैं कितना, 12 सीट, इनको क्या, कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उन्हें किस किसके रिकमेंडेंस से, रिकमेंड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाउंडर ऑफ औरंगाबाद, औरंगाबाद किसने फाउंड किया है, औरंगजेब ने, तो औरंगाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, कौन से कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आप, औरंगजेब में अभी बोला था कि कितने नंबर रूल है, भत्सा, BHAJSA, कितने नंबर के, सिक्स नंबर रूलर है, कौन से, मुगल रूलर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली, दिल्ली फॉल्स अंडर NCR रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, NCR रीजन बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ, कौन, नॉर्थ, नॉर्थ कैपिटल रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, और दिल्ली के CM कौन है, खासी वाले गुरुजी, कौन, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ठीक है फ्रेंड्स, CM है, और गवर्नर नहीं होते वहाँ पर, कौन रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन है, अनिल बेजल, अनिल बेजल। ठीक है फ्रेंड्स, अनिल बेजल, CM अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बेजल। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक वाज फर्स्ट हेल्ड इन, ओलंपिक कहाँ पर हेल्ड हुआ है, एथेंस, कहाँ पर, ग्रीस, एथेंस ग्रीस, कब हुआ है, एथेंस ग्रीस, कौन से कितने टाइम में, मतलब डेट कौन सा है, अप्रैल 6, 1896, आपको इतना याद रखना है, 1896 आपको याद ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी मैं ओलंपिक का पूरा बता दूंगा आपको, प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा डिस्क्रिप्टिव में मैं अपना व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आप कुछ भी डाउट हो मेरे को पूछ सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBC और WBC, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पूछ सकता है, रेड ब्लड सेल, RBC क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको पूछेगा, आप डिटेल कभी मैं RBC WBC के बारे में बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वन वन क्वेश्चन रिवर, रिवर के बारे में मतलब पूछ सकता है कि पेनिनसुला रिवर कौन सा है, पेनिनसुला रिवर कौन सा है, जो भी दक्षिण भारत में फ्लो होता है ना, दक्षिण भारत में फ्लो होते हैं उनको पेनिनसुला रिवर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस साइड में, ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट में कौन से नदी फ्लो के जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, मतलब ये वाला पूछेगा आपको। वेस्टर्न घाट है ना ये, इसको क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। इसमें कौन से नदी आते हैं, तो ताप्ती और कौन नर्मदा वेस्टर्न घाट में। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्टर्न घाट में कौन से नदी, महानदी हो गया ये, कावेरी, कृष्णा, ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे नदी, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा देख लेना आप। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग पार्ट्स एंड शेड्यूल, ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछ सकते हैं कि पार्ट्स शेड्यूल में ये एक पॉलिटी में आता है। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि आपको पूछ सकता है कि पार्ट्स शेड्यूल, तो पूछेगा कितने पार्ट्स थे, अभी कितने हैं 25 पार्ट्स हैं, छठे में कितने थे 22 पार्ट्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कितने पार्ट्स हैं 25, पहले स्टार्टिंग जब हमारा संविधान बनाया गया तभी 22 पार्ट्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने शेड्यूल थे, अभी कितने हैं 12 शेड्यूल हैं, पहले कितने थे 8 शेड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, पहले 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल है। तो पूछ सकता है शेड्यूल के बारे में, किस में कौन सा है, मतलब इमरजेंसी कौन से नंबर के शेड्यूल में है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर शेड्यूल, सब वो सब पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर ऑफ शेड्यूल देखिए, मैंने बोला और जो पूछ, नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, अभी 12 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 8 स्टार्टिंग में थे, स्टार्टिंग में कितने थे 8 थे। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने इसे करा था, जो भी है, मैं देखिए आप शेड्यूल पूछ लिया आपको, पार्ट्स कभी हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट्स पर पूरा डिस्कशन कर लेंगे। अभी आप देखिए कि टोकन मनी किसने इंट्रोड्यूस किया है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, तुगलक, ठीक है, ये कौन से तुगलक डायनेस्टी के थे, उनको पागल क्या बोलते हैं, पागल राजा ही बोलते हैं, मेंटल किंग। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू किसने एक्टिव प्रेसिडेंट कौन है, एक्टिव प्रेसिडेंट बोलते हैं ना इसको, कौन है, गुलजारी नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजार याद कीजिए आप, गुलजार। ठीक है फ्रेंड्स, पूछेगा फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट तो भी क्या, गुलजारी नंदा। विच एसिड फाउंड इन मिल्क, मिल्क में कौन सा है, लैक्टिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, विच उल्ला लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, उल्ला लेक कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर उल्ला लेक, ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। वैसे चिलिका क्या है, सॉल्टी है, चिलिका जो है उड़ीसा में वो क्या है, सॉल्टी है, ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्ट वाटर लार्जेस्ट मीन्स चिलिका बोल देंगे, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर उल्ला जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। खजुरा टेम्पल किसने बोल्ड किया है, चंदेला। ठीक है फ्रेंड्स, चंदेला और डायनेस्टी चंदेला रूलर ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेला रूलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब उसका मतलब 200-300 साल लगे उसको बिल्ड करने, तो पर्टिकुलर कोई रूलर नहीं है, सबने मिलकर बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इनोवेशंस का वीडियो मैंने डाल दिया है, नीचे डाल दूंगा पहले, तो आप वहाँ पर देख लीजिए इनोवेशन के बारे में। पूछ सकता है कि रेडियो किसने इन्वेंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, साइकिल पूछ सकता है, रेडियो, उसके बाद टीवी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पूछेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कॉम किस में, मणिपुर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी कॉम कौन से स्टेट से, मणिपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे पूछ सकते हैं कि आपको मेरी कॉम हो गया, उसके बाद बोम्बला देवी का पूछ सकता है कि दिलीप तरकी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे पूछ सकते हैं आपको, उसका फील्ड क्रिकेटर का मैं वो भी डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मेरी कॉम कौन है, बॉक्सर है। ठीक है फ्रेंड्स, फेमस कौन है, बॉक्सर है वो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फील्ड बिलोंग टू टेनिस एज ए कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, टेनिस जो है फील्ड, ये क्या है, कोर्ट, जो खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। लोहरा उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा। देखिए लोकसभा का वीडियो मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स, देखिए
ये वाला क्वेश्चन जो था मेरी कॉम का हो गया, उसके पूछ सकते हैं क्या फ्रेंड्स? ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये वाला मैंने थोड़ा छूट गया था। देखिए आप, जवाहर रोजगार योजना, ये क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ये किस 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 फील्ड, मतलब किस किस सर इंक्लूड है? NE, ठीक है फ्रेंड्स, वन सेकेंड। जो जवाहर योजना योजना है ये किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ रिलेटेड है। कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरे को पता नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं है, तो आपको पूछ सकता है कि ये किसके साथ मर्ज हो सकेगा, किसके साथ मर्ज हो गया। तो NREP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसके साथ क्या हो गया, ये मर्ज हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी पूछ सकता है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 19, ठीक है फ्रेंड्स, 1989 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1989 में, ठीक है फ्रेंड्स, ये मर्ज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ था 1989 में और मर्ज हो गया 2002 में, ठीक है फ्रेंड्स, किसके साथ? NREP में, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं आजकल, फील्ड कोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला, ये तो बोल दिया टेनिस कोर्ट में। उसके बाद लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। 8 टियर कितना है लोकसभा का? अभी बोला था मैंने 81 है। राज्यसभा कितना है? बोला था अभी 80, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद ही रखना है, कभी पूछ सकता है। फाउंडर ऑफ चोला विजया यल्ले, कौन है फ्रेंड्स? विजया यल्ले, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी कौन है? विजया यल्ले, ठीक है फ्रेंड्स, विजय यल्ले, ठीक है फ्रेंड्स। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी ये कौन सा है? मतलब साउथ का है, ठीक है फ्रेंड्स, ये साउथ का एक बहुत अच्छा डायनेस्टी था, ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम में। उसके बाद HDI, ये क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसको कौन मतलब ये पूछा है कि विच गिवन में विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर होगा UNDP। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? UNDP, आंसर क्या है फ्रेंड्स? UNDP, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क सिटी, USA। HDI इंडेक्स किसने, कौन, विच ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाई? तो UNDP, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क, USA। ये यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है। और फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन थोड़ा कुछ अटपटा लगा, तो थोड़ा कुछ देख लीजिए आप कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है ना, अभी प्रेजेंटली कौन है? रंजन गोगोई। अभी कौन है? रंजन गोगोई, गोगोई। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है फ्रेंड्स? कौन है? रंजन गोगोई। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई। ये कितने नंबर के हैं? 46। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, 46 चीफ जस्टिस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ फॉर्म बाय, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सही है, लॉ कहाँ पर फॉर्म होता है? लॉ जो हम बनाते हैं कि रास्ते के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाना है, पार्लियामेंट में, ठीक है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट। पूछ सकता है कितने आर्टिकल, अभी मैंने बोला था 17 आर्टिकल में पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। पार्लियामेंट किस किस के मिला के गठित हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा और कौन, प्रेसिडेंट, इन तीन को मिलने के बाद कौन है? पार्लियामेंट गठित होता है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। टेन्यूर ऑफ गवर्नर कितना है? गवर्नर का 5 ईयर है, ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नर का। उसके बाद स्पॉन्ज जो होता है ना, वो स्पॉन्ज, हाँ फ्रेंड्स, ये क्या है? क्या स्पॉन्ज फॉल्स इन फाइलम पोरीफेरा, ठीक है फ्रेंड्स, फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद हाँ मैम, थोड़ा भूल गया मैंने, गवर्नर का जो आर्टिकल है ना, वो कितने नंबर आर्टिकल है? 153। वहाँ पर लिखा है कि देयर शैल बी ए गवर्नर इन द ईच स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स, ईच स्टेट के लिए गवर्नर, आर्टिकल याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स, 153। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
विच शेड्यूल स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूछा है कि स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या है, ये जो आर्टिकल है ये कि कौन सा आर्टिकल, सेवेंथ नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, सेवेंथ नंबर का शेड्यूल में, ठीक है फ्रेंड्स, सेवेंथ शेड्यूल में लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। सेवेंथ शेड्यूल कितने शेड्यूल हैं, हमने पहले बोला था कितने अभी है, अभी 12 है, पहले कितने थे, 8 थे, आपको बार बार याद करा रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्जाम में। बैटल ऑफ पानीपत आपको पता है कितने, कब हुआ था, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के था, वो कौन था, लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट रूलर था, कौन था, लोदी डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स। 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद देखिए, विच गेम इन्वॉल्व्स इन यूज ऑफ हैंड्स, हैंड्स के कौन कौन से, स्नूकर जो खेलते हैं ना, ये वाला टेबल रहता है, वो एक आके बॉल रहता है उसको मारते हैं ना वो, ठीक है फ्रेंड्स, वो बोलते हैं। वन क्वेश्चन लेक, लेक पूछ सकता है कि लार्जेस्ट लेक कौन है, कास्पियन है, फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक, कभी मैं लेक के बारे में, फ्रेंड्स लेक के बारे में पूछा, लेक कुछ भी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, कभी मैं लेक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट कहाँ से लेके आए हैं, अभी किस में से, यूएस से, ठीक है, फंडामेंटल राइट यूएस से, ठीक है फ्रेंड्स, उसके कभी मतलब पॉलिटी पढ़ेंगे ना पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। उसके बाद केमिकल नेम पूछ सकता है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड केमिकल नेम क्या है, ओरिजिनल तो ये तो उसका क्या है, उसका नाम क्या है, मिथानोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, एंट में मिलता है, और क्या, हनी बी में भी मिलता है, क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड, ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, उसका केमिकल नेम क्या है, मिथानोइक एसिड। उसके बाद आर्टिकल 16 जो है, ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 जो है उसमें क्या लिखा है कि ये किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, उसमें क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट जर्नल, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा है फंडामेंटल राइट में। उसके बाद देखिए, हु इम्पोर्टेंट पीएम को कौन इम्पोर्टेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है, 52 है, ठीक है फ्रेंड्स, 52, और प्राइम मिनिस्टर कितना आर्टिकल है, 74C में, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्म रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ऐसे पूछ सकता है LBW किस में है, ड्यूस किस में है, ठीक है फ्रेंड्स, LBW, हैट्रिक, ड्यूस, स्मैश किस में, बैडमिंटन में, ये सब पूछ सकता है। फिर पद्मावत किसने लिखा है, मालिक मोहम्मद जयसी। अभी क्या है, पूछ सकते हैं पद्मावत का डायरेक्टर कौन है, कौन, संजय लीला भंसाली कौन है डायरेक्टर है इसका, पद्मावत का, तो पूछ सकता है कि मोहम्मद जो खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी रोल किसने किया है, रणबीर सिंह ने, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है, लॉन्गेस्ट रिवर यांगजी 6300 कहाँ पर है, ये चाइना में, ठीक है फ्रेंड्स, चाइना का राजधानी क्या है, बीजिंग, और करेंसी क्या है, युआन है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत कुछ भी पूछ सकता है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका के प्लान तो पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद छोटा नागपुर हाई स्पीड क्या है, पारसनाथ, ठीक है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर प्लाट का पारसनाथ, ठीक है, आपको याद रखना है छोटा नागपुर प्लाट। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं आपका पार्ट टू फटाफट लेके आऊँगा, देख लीजिए, उसके डिस्क्रिप्टिव में मैं आप मतलब फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी फाउंडर विच सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और एक वीडियो में, वहाँ देख लेना आप, और बहुत सारे हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, मेरे पास इतने सब क्वेश्चन हैं, पूरा डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे 6-7-8 वीडियो में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लोज डाउन कर रहा हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको किसके मतलब कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए मेरे को बता दीजिए, मैं आपके लिए श्योर बना के दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, और मेरे नीचे डिस्क्रिप्टिव में मेरे चैनल जो भी चैनल व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का सब चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ चैट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे को।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। पार्ट टू में अभी लेके आ रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट टू लेके आ जाऊँगा शाम को भी, ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू फ्रेंड्स।